हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग देख सकते हैं ब्रेकफास्ट बन रहा है, और आजकल क्योंकि खुशी घर पर है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो ओनली फॉर एग्ज़ाम वाले दिन ही जाती है स्कूल। तो वो काफ़ी कुछ पता नहीं क्या क्या अपनी दीदी के साथ मिलके बनवाती रहती है। तो आज वो बनवा रही है सैंडविच, और उसको ये सैंडविच बनाना बहुत आसानी से आता है, क्योंकि पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में एक दो बार शेयर किया था कि खुशी जो है वो सैंडविच काफ़ी अच्छे से बनाती है। तो वो क्या करती है ना, ब्रेड के एजेस काट देती है, साइडों का जो होता है ब्रेड का उसको काट देती है, और उसके बाद उसमें मलाई सॉस और आलू का जो बैटर होता है ना, जो हम लोग भरते हैं सैंडविच के अंदर, वो बनाती है। और उसके बाद में इन्हें सैंडविच को ग्रिलर के अंदर, जो सैंडविच मेकर होता है उसके अंदर रख के, वो तवे पे नहीं बनवाती मुझे। हालांकि तवे वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, ये मशीन वगैरह में रख के अच्छे नहीं लगते। तो बट खुशी जो है ना, वो ये सारी चीज़ें यूज़ करती है, उसे अच्छा लगता है ये सब यूज़ करना। तो वो जो है वो सैंडविच मेकर यूज़ कर रही है, और इस तरीके से देखिए आप लोग देख सकते हैं, पिज़्ज़ा कटर से उनको बीच में से काट देती है, मतलब काफ़ी अच्छे से देती है सारी चीज़ें बना के। उसको काफ़ी अच्छा लगता है ये सब कुछ करना, और अपनी दीदी के साथ मिल के कराती रहती है। तो मैं अभी सो के उठी थी, दो चार वीडियो की जो एडिटिंग वगैरह होती है ना, वो मेरे को करनी थी, तो मैं वो कर रही थी, और उसी बीच खुशी मेरे ब्रेकफास्ट लेके आ गई। और यश गए हैं मंदिर, मतलब मंदिर क्या, घर पे ही है हमारा मंदिर, तो वो पूजा कर रहे हैं अभी, और आ जाएंगे वो अभी थोड़ी देर बाद मेरे पास, वो भी ब्रेकफास्ट करेंगे, उनके लिए भी आए हैं ये सैंडविच। और खुशी जो है बना रही है, क्योंकि अच्छे लगते हैं ये सैंडविच जो है ना, ये काफ़ी लाइट लाइट और काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब एजेस कट करके अगर हम लोग बनाते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और आज ये लोग ना एक मिर्ची की एक रेसिपी बनाने वाले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी, जो छोटी वाली मिर्च आती है उसकी। और हम लोग देखिए, आप लोग देख सकते हैं, बस यही सुबह सुबह मौज मस्ती कर रहे हैं। यश अपना नहा धो के पूजा वगैरह करके सब रेडी हैं, और मैं, मेरा क्या होता है ना, मैं सुबह में उठती हूँ, फ्रेश वगैरह होती हूँ, अपना ब्रश वगैरह जो भी किया हल्का फुल्का वो करती हूँ। अरे मुस्कान, मुस्कान उसके चक्कर में तो पता नहीं कितनों का हो लिया नुकसान। अरे नहीं यार, बहुत सुद्धि लो लिया है। सुद्धि उसकी तो चाल भी टेढ़ी हो पड़ी। क्या नहीं है हमारे पास आईफोन जो स्लो मोशन करूंगा, नहीं बदलेगा कुछ ऐसे ही रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या। हेलो एवरीवन, तो आज बाहर का मौसम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर, और बारिश हो रही है, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है मौसम। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी मौसम होता है ना, तो मन करता है कि कुछ चटपटा कुछ टेस्टी खाया जाए। चलिए दिखाते हैं क्या बना रहे हैं हम लोग। उससे पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज की जाए, क्योंकि तला भुना बहुत खाती हूँ मैं, हमारे घर पर काफ़ी बनता है फ्रेंच फ्राई, ये सब पता नहीं क्या क्या बनता रहता है पूरे दिन। तो इसके साथ साथ में ना एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। मैंने अपने लिए एक साइकिलिंग मंगाई थी, चलाती हूँ मैं इसको सुबह शाम में, थोड़ी थोड़ी देर चलाती हूँ, बट मैं इतना नहीं टाइम दे पाती हूँ अपने आप को इस चीज़ के लिए, क्योंकि टाइम नहीं है। और फिर पता क्या, एक शौक़ की भी बात होती है, किसी किसी को अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है ठीक रखने का, मतलब कि फिगर मेंटेन रहना चाहिए, पतले दुबले रहने चाहिए, ये चीज़ का ना किसी किसी को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, बट मेरे को नहीं है, मेरे को इतना ज़्यादा इस चीज़ का क्रेज़ नहीं है। मोटे पतले से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कभी पतली पहले भी नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा पतली तो मैं पहले भी नहीं थी, बट हाँ ये है कि बच्चे बच्चे हो गए उसके बाद में, मतलब थोड़ा फिज़िकली वर्क कम हो गया, घर का मैं कोई काम करती नहीं हूँ, और पार्लर से रिलेटेड या फिर अपने यूट्यूब से रिलेटेड काम जो है वो ज़्यादातर बैठ के ही होता है, उसकी वजह से ना थोड़ा हेल्दी हो गई हूँ। तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हूँ मैं, साइकिलिंग वगैरह करती रहती हूँ, घर पर ही है क्योंकि ये मेरे, तो मैं जिम वगैरह तो ज्वाइन बिल्कुल नहीं करती, बस ये मैं थोड़ी बहुत साइकिलिंग वगैरह करती हूँ, उसके बाद मैं अपना खाती हूँ पीती हूँ मौज लेती हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोले। अब जैसे काफ़ी कमेंट ये भी आते हैं ना, आप बहुत हेल्दी हो आप, ये हाँ भैया हैं, क्या करोगे अगर हैं तो, भाई क्लियर सी बात है, मैं खाना पीना नहीं छोड़ सकती, और मुझे अपनी पसंद की चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे कि आज शाम के टाइम बारिश हो रही है, काफ़ी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो हम लोगों ने फ्रेंच फ्राई कराए हैं, और ये रेडीमेड हैं, ये फ्रेंच फ्राई जो हैं ये रेडीमेड हैं, हम लोगों ने घर पर नहीं बनाए, ओनली फॉर इनको फ्राई करना होता है आने के बाद, जब ये आते हैं जैसे मकैन वगैरह होते हैं ना, इसी तरीके के हैं ये भी, तो हम लोगों ने ये फ्राई कराए हैं, और उसके बाद हम लोग इनको टेस्टी टेस्टी करके खाएंगे। तो फूडी तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ,
इस चीज़ का तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये चीज़ मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है कि मैं जो हूँ ना काफ़ी फूडी हूँ, मैं नहीं रह सकती, मतलब भूखे प्यासे तो मैं काम कर ही नहीं सकती हूँ। मुझे जितना भी काम आप करवाओ, सारा खाते पीते करवाओ तो मुझे अच्छा लगता है, और भगवान की दुआ से अभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हेल्दी हूँ मगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई बीमारी वगैरह हो, कुछ नहीं है। जितना भी मैं हूँ उतनी एनर्जेटिक हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुस्त इंसान हूँ मैं, तो मुझे अभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम मोटापे से नहीं लगती अपने। बट हाँ, फिर भी मैं धीरे धीरे करके अपना ना थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आगे आगे उम्र बढ़ती है तो मोटापे से काफ़ी बीमारियाँ आने लगती हैं। बट अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं है, तो मैं अभी तो इन्जॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को। बट अगर ऐसा कुछ लगेगा तो बिल्कुल सोचूंगी, और घर पे मैंने ये चीज़ें मंगा के रखी हुई हैं, जब भी मुझ पर टाइम होता है तो मैं करती हूँ ये सारी चीज़ें। तो देखिए, ये जो होते हैं ना, ये इस तरीके से रेडीमेड होते हैं, और उसके बाद जब हम इनको डाल देते हैं बहुत तेज गर्म ऑयल में, हमें इन्हें डालना होता है क्योंकि ये ना फ्रीज़र में रखे हुए होते हैं, तो ये बर्फ़ जमी हुई होती है इनके अंदर, तो अगर हम एकदम से जब इसको डालते हैं ना तो काफ़ी ये मतलब आवाज़ करते हैं तेल में जाने के बाद, तो थोड़ा केयरफुली डालने पड़ते हैं। तो बस इसी तरीके से फ्रेंच फ्राई जो है वो फ्राई हो रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग इसका मज़ा लेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि कैसा मौसम हो रहा है। बहुत ज़्यादा ना मतलब ठंड चली गई थी, फिर दोबारा से बारिश हुई, और बारिश के साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा मौसम हो गया, और रात में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, पूरे दिन आज बारिश हुई है, तो उसकी वजह से पार्लर पर भी काफ़ी कम है रश वगैरह। तो इस वजह से ना मैं आज ऊपर ही थी पार्लर में, आज मैं नहीं गई हूँ, पूरे दिन मैंने कुछ भी पार्लर का नहीं किया है, ओनली फॉर अपना यूट्यूब से रिलेटेड काम किया है। यूट्यूब से रिलेटेड भी मुझे बहुत कुछ करना होता है, काफ़ी सारे वेबसाइट हैं जिनके साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ, उनको मुझे टाइम टू टाइम पे वीडियो देनी होती है, और उनके लिए काफ़ी कुछ करना होता है। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं बाहर का जो मौसम है ना वो बहुत ही ऑसम हो रहा है, ऑसम जिसको बोलते हैं, और अभी ओनली फॉर 5:30 हुए हैं, तभी ये इतना अंधेरा अंधेरा और इतनी ज़्यादा हो गया, और बारिश तो इसके बाद तो और भी ज़्यादा तेज़ हुई थी, जब मैंने ये फुटेज आप लोगों के लिए ली उसके बाद और भी तेज़ बारिश हुई थी, क्योंकि ना पता नहीं क्या हो गया यार मौसम का, आजकल कुछ नहीं पता कब बारिश होने लगे, कब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, इसीलिए इतनी ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि मौसम जो है ना वो कंट्रोल में नहीं है। पहले क्या था, गर्मियों में गर्मी पड़ती थी, सर्दियों में सर्दी पड़ती थी, और बरसात में बरसात होती थी, बट अब जो है वो कोई मौसम नहीं है, बरसात का भी कोई, ठंड का भी मौसम नहीं है, कोई गर्मी का भी मौसम नहीं है, कब क्या हो जाए मौसम, कब करवट बदल ले कुछ नहीं पता। इसी की वजह से हम लोगों को बीमारियाँ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि शरीर उस हिसाब से रेडी नहीं होता है, और एकदम से अचानक से ऐसा कुछ हो तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है हमारा शरीर, क्योंकि देखिए अभी गर्मियाँ आ गई थी अच्छी खासी, तो हम लोगों ने कपड़े पहनने कम कर दिए थे सर्दियों के, बट अब दोबारा से आज ठंड हुई तो फिर दोबारा से कपड़े पहनने पड़ेंगे सर्दियों वाले। तो इस तरीके से ना काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी बीमारियाँ वगैरह होती रहती हैं। खुशी अपनी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो अपनी पढ़ाई कर रही है, ध्रुव अपना फ्रेंच फ्राई इंजॉय कर रहा है और टीवी देख रहा है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस टाइम भरवा मिर्ची। ये जो मिर्च होती है ना, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, हम लोग इसको अचार के लिए यूज़ करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, तो ये जो है बिल्कुल भी ना तीखी नहीं होती ये मिर्ची,
और इनके अंदर ना हम लोगों ने आलू का बैटर भरा है और इसमें आप काफ़ी अच्छे से काफ़ी चीज़ें भर सकते हो, जैसे कि इसमें पनीर वगैरह भी भरते हैं कुछ लोग बेसन के साथ में बनाते हैं इसे, तो काफ़ी तरीके से बनती है ये डिश जो है। बट हम लोगों ने जिस तरीके से बनाई वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोगों ने ना ये इस तरीके से आलू के साथ भर ली है और इसको हम लोग अभी धनिए और हींग वगैरह के साथ में ना इसको भूनेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी लगती हैं, मतलब एक तरीके का ना साइड की सब्ज़ी है। जैसे आप लोगों ने कोई सब्ज़ी अगर नहीं बनाई किसी दिन तो आप इस सब्ज़ी से अपना पराठे वगैरह खा सकते हैं। सुबह में बहुत अच्छी लगती है ये, एक तरीके से अचारी मिर्च टाइप की लगती है। बट हम लोगों ने इसके अंदर क्योंकि आलू भरा है तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये जो डिश है ना ये मुझे काफ़ी पसंद आई और इस तरीके से हम लोगों ने ये बनवाई है। आई होप आप लोगों के यहाँ पर भी बनती होगी, बताना ज़रूर कि किसके यहाँ पर कैसे कैसे करके बनती है। हमने जो बनाई वो इसी तरीके से बनाई और आप देखिए इसमें हमने ना सरसों का तेल डाला, धनिया डाला और जीरा डाला और हींग डाली और उसके बाद इसमें डाली है हम लोगों ने हल्दी और नमक और उसके बाद हम इसको ना इसके अंदर रख देंगे और ये धीमी धीमी आँच पर हम लोगों को पकानी है काफ़ी अच्छे से। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये काफ़ी टेस्टी लगती है। आप देखिए इस तरीके से ना इसको इसके अंदर रख देंगे हम लोग सबको और इनको धीमी धीमी आँच पर ना पकने देंगे। तो ये काफ़ी टेस्टी लग रही थी खाने में, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बट देखने में भी आप लोग देख सकते हो कितना टेस्टी लग रही है। तो इस तरीके की डिशेज़ जो होती है ना वो काफ़ी अच्छी लगती हैं, अच्छा लगता है इस तरीके का कुछ ना कुछ घर पर बनाना और मुझे तो आप लोगों के साथ में शेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे बताना कि किस किस ने ये अपने घर पर बनाते हैं जो लोग, क्योंकि आई थिंक ये बनती हैं काफ़ी लोगों के यहाँ पर बनती हैं। मेरे यहाँ पर भी पार्लर का एक स्टाफ है, वो अपने घर से बनाकर लेकर आई थी तो मैंने उनकी देख के ये बनवाई थी। मेरे यहाँ पर भी बनती थी, कभी कभी बनती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ना जो लोग कुकिंग करते हैं अगर उन लोगों को आती हैं तो बना देते हैं, वो लोग नहीं आती तो फिर मैं फ़ोर्स नहीं करती हूँ क्योंकि यश नहीं खाते हैं, मैं ही खाती हूँ उसको ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।